हेलो हेलो हेलो, कैसे हो कैसे हो? कौन सी? हाँ, कैसे हो? हाय मेरा नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय अदर एपिसोड। एंड आज का जो एपिसोड है ना, मैं अपने पुराने स्कूल से शुरू कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली यहाँ 2011 तक पढ़ा हुआ हूँ, जब मैं चौथी क्लास में था। फिर उसके बाद मैं कहीं और चला गया था, तो ये सब लोग दोस्त मिले हुए हैं। कैसे हो? कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। और ये सब लोग इधर है। और आजकल एक चीज़ और हो गई ना, जब तक हम इधर आए थे पहले, तो इससे पहले यहाँ पाँचवीं तक ही हुआ करता था, और अभी आठवीं तक बन गए, तो बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख के। तो ये सारे बच्चे इधर हैं, जो कि विद्या मंदिर और शिशु मंदिर एक हो गया है, तो अभी यहाँ पढ़ रहे हैं आजकल। और हमारा पृथ्वी भी है इधर पे। कैसे हो पृथ्वी? बढ़िया। क्या क्या है इधर पे? वाह यार, इधर पे ये स्कूल। ये कौन सी क्लास है? सिक्स क्लास है। कितने बच्चे आपकी क्लास में? 11 हैं। आज बड़ा अच्छा लग रहा है बच्चों के साथ। पहले हम यहाँ पे क्रिकेट खेला करते थे इस पे। इधर भी बस एक मैम बची हुई है जो हमारी टाइम की थी, और अभी पूरा नया स्टाफ आ गया, तो मैम से ही मिलेंगे आपको। उनका नाम शोभा मैम है। अगर आप इसी स्कूल से पढ़े हुए ना, तो आपने जरूर देखा होगा उन्हें। कौन सी क्लास में तुम लोग अभी? पाँचवीं में। अभी आप ऊपर चले जाओगे तुम भी अगले साल से। सही है यार, मतलब इस यहाँ से सीढ़ी से ऊपर जाने में ना पूरा एक साल लगता है, क्योंकि पाँचवीं तक इधर है, यहाँ से छठी से है अपन। तो ये जो मेरे पीछे क्लास है ना, इस क्लास तक मैं कभी पहुँच नहीं पाया था, क्योंकि एक्चुअली मैं चौथी क्लास तक मैं इधर पढ़ा था। ये मेरे पीछे जो है पाँचवीं क्लास है। और हमेशा हम देखते थे यार, जो हमारे सीनियर्स है ना, मैं सोचता था कि यार पाँचवीं क्लास में कैसा फील होता होगा, क्योंकि उस टाइम में विदाई भी होती थी, और जो चौथी कक्षा वाले होते थे उनको विदाई रहते थे। तो हमेशा एक बना रहता था कि कैसे विदाई होती होगी, कैसे क्या रहता होगा। तो आज फाइनली इधर आया मैं, वो चीज़ें महसूस नहीं कर पाया। और इन लोगों से पूछते हैं, आप छठी क्लास में भी एक बार बताओ, जब आप पाँचवीं से छठी क्लास में गए थे ना, तो क्या क्या हुआ था विदाई में, क्या क्या कार्यक्रम हुए? अच्छा, डांस, समोसा, जलेबी। मतलब पूरी दुनिया की जो मिठाई है ना, उनमें वो स्वाद नहीं होता जो स्कूल की फिफ्थ या फेयरवेल लेते हैं। उसकी जो मिठाइयों का स्वाद होता है, समोसे का स्वाद होता है ना, वो कहीं नहीं होता है ना। हाँ, दीपक कार्की चैनल पे देखना। ओके ओके, चलो बाय बाय। चलो नमस्कार दोस्तों। तो ये हमारी शुभा मैम है। जब मैं छोटा था ना, चौथी क्लास तक मैंने पढ़ा था, तो मैम ही, मतलब जो शुरुआत की जो शिक्षा होती है ना, पढ़ाई के अलावा भी बहुत तरह की शिक्षाएं होती है, वो मैम ने ही दी थी हमें। 1995 से ये इधर पे ही है। तो कई सारे ऐसे बच्चे होंगे ना, जो सरस्वती शिशु मंदिर पांखों से पास आउट हुए होंगे, तो शायद मैम ने उन्हें कभी ना कभी जरूर पढ़ाया होगा। तो आज आप मैम को देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है। आपका जो आशीर्वाद है ना, उसी से हम जीवन में कुछ कर भी पा रहे हैं। हाँ, तो दोस्तों अभी मैं फिलहाल स्कूल में जाके आ गया हूँ। चौथी क्लास तक मैंने लगभग 2-3 साल दिए हैं इसको, स्कूल को। काफ़ी अच्छा सा लग रहा है यार, कि आज मैं अपना स्कूल देखा मैंने। और मेरे साथ ना मेरे क्लासमेट भी हैं, और ये लक्ष्मण है, और हम लोग क्लास में ही साथ में रहते थे। इन्होंने तो पूरा पाँचवीं तक इधर पढ़ा था, फिर तुम वहाँ चले गए थे ना, विद्या मंदिर। हाँ, तो इन्होंने पूरा इधर ही पढ़ा था, बट मैं चौथी की काफ़ी चकोड़ी चला गया था, वहाँ मेरा हॉस्टल वाला स्कूल था। तो सच में यार बहुत अच्छा सा लगा आज, और मैम से मिला, बच्चों से मिला। उनमें से कई ऐसे बच्चे थे जो बहुत दूर दूर से आते हैं, चौसाना से भी आते हैं, तो मैम ने बताया कि वो वहाँ से आते हैं। तो वाकई में यार वो सारी यादें ताज़ा होगी। और आप लोग भी अगर इस स्कूल से पढ़े हुए ना, तो आप लोग एक दिल भेजना कमेंट में, और बताना कि आपका यहाँ से पांचवी पास कब की थी आपने, कौन से साल में की थी। हेलो हेलो हेलो,